हेलो मेरे भाइयों। तो भाइयों आज मैं यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल सर्किट आपको बना करके दिखाने वाला हूँ। और भाइयों इसे बनाने के लिए मात्र हमें 3 से 4 कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी जो यहाँ पर मैंने रख दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक BC547 एक रजिस्टर चाहिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक हमें म्यूजिकल IC चाहिएगी जिसका नंबर है UM66, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक हमें कोई भी स्पीकर की जरूरत पड़ेगी। ये मैंने छोटा स्पीकर लिया है क्योंकि छोटा सर्किट है। और भाइयों इस सर्किट को पावर देने के लिए हमें यहाँ पर छोटे से सेल की जरूरत पड़ेगी। देखिए 1.5 वोल्ट के सेल है तो 2 हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बस यही हमें कंपोनेंट चाहिए। और अब चलिए इस सर्किट को बना लेते हैं। टोटल हिंदी टेक्निकल। सबसे पहले हमें यहाँ पर ट्रांजिस्टर और IC को एक साथ जोड़ देना है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है, ये देखिए BC547, ठीक है। तो इसकी जो एमिटर वाली लैग है और इस IC की ये ग्राउंड वाली लैग है, इन दोनों का आपस में जोड़ देना है हमें। चलिए फटाफट से जोड़ते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर एक रजिस्टर है, ये देखिए 1.5K का ये रजिस्टर है। तो इसकी दोनों लैग को हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मोड़ देते हैं। देखिए मैंने मोड़ दी है और एक्स्ट्रा लैग को इसकी मैं काट देता हूँ यहाँ पर। तो चलिए इसको यहाँ पर हम लगा देते हैं। ओके, इस प्रकार से हमने यहाँ पर के कनेक्शन को अच्छी तरीके से कर दिया है। ये देखिए तीनों कनेक्शन बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो चुके हैं। अब चलिए इसमें यहाँ पर हम स्पीकर के कनेक्शन कर देते हैं। और स्पीकर हमारे पास ये रहा, ठीक है। तो सबसे पहले स्पीकर में हम यहाँ पर 2 तार को जोड़ देते हैं। और भाई स्पीकर में जोड़ने के लिए तार हमारे पास ये रहे, तो हम कोई भी तार किधर भी लगा सकते हैं। रेड को मैं इधर लगा रहा हूँ और ब्लैक को मैं इधर लगा रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पर दोनों तार को लगा दिया है। और अब चलिए इन दोनों तार को हम यहाँ पर इस सर्किट में लगा देते हैं। IC हमारी जो है वो इधर वाली है, ठीक है। और इस IC का जो बीच वाला पॉइंट है, तो स्पीकर का एक वायर हमें यहाँ पर बीच वाले पॉइंट पर लगाना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से लगाते हैं। तो बचा स्पीकर का एक वायर ब्लैक वाला, ठीक है। तो इसको भी हम लगा देते हैं। चलिए तो भाइयों देखिए हमने इस प्रकार से यहाँ पर इस सर्किट की सारे कनेक्शन कर दिए हैं। आप देख सकते हैं बस इसमें बैटरी के कनेक्शन करने बाकी है, ठीक है। और बैटरी हमारे पास ये रही, तो इसमें 3 वोल्ट के हम कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस बैटरी का होल्डर भी मेरे पास है, ठीक है। ये देखिए, तो सबसे पहले इन बैटरी को हम यहाँ पर इस होल्डर में लगा देते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो ये देखिए मैंने बैटरी को यहाँ पर लगा दिया है। और अब चलिए इस बैटरी के कनेक्शन हम सर्किट में भी कर देते हैं, ठीक है। तो बैटरी में जो रेड वाला वायर है वो तो प्लस है और ब्लैक वाला माइनस है, ठीक है। तो इस प्लस वाले वायर को हम यहाँ पर बीच में लगा देंगे जहाँ पर हमने स्पीकर का रेड वाला वायर लगाया है, ठीक है। तो ये देखिए हमने लगा दिया यहाँ पर। अब बचा हमारा बैटरी का एक तार, ये देखिए माइनस वाला, तो ये हमारा स्विच है, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पर कनेक्शन कर देते हैं। और अब चलिए इस तार को हम यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए अब इस तार को हम यहाँ पर इस सर्किट के बीच वाले जहाँ पर ये आप देख रहे हैं ना ट्रांजिस्टर की और IC के लैग जुड़ी हुई, तो वहाँ पर हमें इस तार को लगाना है, ठीक है। तो ये देखिए भाइयों मैंने यहाँ पर इस स्विच को लगा दिया है। अब मैं इस सर्किट को नीचे उतार लेता हूँ। और अब चलिए यहाँ पर मैं इस बैटरी के साथ में इस वायर को लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो भाइयों देखिए मैंने यहाँ पर तार के कनेक्शन कर दिए हैं। इस प्रकार से हमने स्विच के साथ भी इसको जोड़ दिया है। और अब चलिए इसको मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं बटन दबाऊंगा और ये चालू हो जाएगा सर्किट, ये देखिए। और फ्रेंड अब चलिए इसमें हम बड़े वाला स्पीकर को लगा करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर तो छोटा सा स्पीकर यूज़ किया है, तो अब चलिए मैं बड़ा स्पीकर भी यहाँ पर कनेक्ट करके आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ ताकि आपको इसकी आवाज़ बढ़िया से समझ में आए, ठीक है। ये देखिए मैंने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब छोटे स्पीकर को मैं हटा देता हूँ और बड़े स्पीकर को मैं आपको यहाँ पर बजा करके दिखाऊंगा। सर्किट सेम वही रहेगा, आप देख सकते हैं। तो बटन दबाना है और यहाँ पर आप साउंड सुनना, ये देखिए। ये देखिए भाइयों बिल्कुल बढ़िया बज रहा है। और मैं आपको माइक को वहीं पर ले जा करके दिखाता हूँ, ये देखिए। तो भाइयों इस प्रकार से हमारा सर्किट जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, जैसे जैसे मैंने बनाया वैसे ही आपको भी बनाना है, ठीक है। और अब चलिए इसका मैं आपको सर्किट डायग्राम दिखा देता हूँ जो मैंने पहले से ही बना रखा है। ये देखिए ये रहा इसका सर्किट डायग्राम, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 एक IC और एक ट्रांजिस्टर मैंने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। UM66 IC इसका नंबर है और BC547 ये हमारा ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो ये देखिए एक SP है यानी स्पीकर है, ठीक है। यहाँ पर ये बैटरी 3 वोल्ट की, 3.7 वोल्ट भी आप इसमें लगा सकते हो। तो सबसे पहले इनके कनेक्शन करते हैं। ये देखिए हमारे यहाँ पर ट्रांजिस्टर की लास्ट वाली लैग और IC की पहली वाली लैग हमने आपस में जोड़ दी है, ये देखिए, ठीक है। अब बची हमारी यहाँ पर एक हमने हमारे पास ये 1.5K का रजिस्टर है, ठीक है। तो इसे हमने यहाँ पर बीच वाली लैग पर लगाया ट्रांजिस्टर की और इस IC की हमने लास्ट वाली लैग पर लगाई, ये देखिए यहाँ पर,
ठीक है। और इस तरीके से हमने यहाँ पर दो कनेक्शन कर दिए हैं। अब हमारे स्पीकर के दो वायर है, देखिए एक वायर तो हमने सीधा यहाँ पर ले जा करके इस ट्रांजिस्टर की पहली लेग पे लगा दिया है, ठीक है। बचा हमारा स्पीकर का दूसरा वायर, ये देखिए दूसरा वायर यहाँ से जा रहा है और ये आईसी की बीच वाली लेग पे हमने लगा दिया, ठीक है। यहाँ से सीधा गया ये और स्पीकर में चला गया, ठीक है। अब बैटरी भी हमें लगानी है, तो बैटरी का जो माइनस है, माइनस वाला पॉइंट ये रहा, आप देख सकते हैं। तो ये माइनस वाला वायर जो है ये सीधा हम यहाँ पर ले गए, ठीक है। हम मैं इसको यहाँ से भी ला सकता था, ठीक है। यहाँ से अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से ऐसे गलती से आ गया था, इधर से लाना था, ऊपर से था यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लाना था। बाकी ये आप समझ सकते हो, यहाँ से तार गया ऐसे, ये बीच में आ गया, ठीक है। ये इसका माइनस पॉइंट है, ठीक है। अब प्लस वाला वायर है, ये भी हमें कहीं देना है इस बैटरी का, तो बैटरी का जो प्लस वाला वायर है वो हमें आईसी के दूसरे नंबर पे ही देना है। यहाँ पर स्पीकर में भी हमारा प्लस डायरेक्ट जाएगा, ये देखिए प्लस स्पीकर में भी यहाँ पर डायरेक्ट जा रहा है और यहीं से इसमें आईसी में भी जा रहा है। तो भाई इस प्रकार से हमारा ये सर्किट बहुत ही आसानी से बन जाता है। आप ये बैटरी के किसी भी तार में स्विच भी लगा सकते हो, किसी भी तार में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा सर्किट ये बिल्कुल रेडी है और देखिए कितना छोटा सा सर्किट है, ठीक है। इसमें मात्र 3 कंपोनेंट हमने लगाए और बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। चलिए चालू कर देता हूँ और देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से काम भी कर रहा है, ठीक है। स्पीकर में मैं ये डाल के दिखा देता हूँ और देखिए कितना बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये सर्किट आपको पसंद आया होगा और इसे बना करके भी आप जरूर देखेंगे। और गाइस इसे कॉलेज वगैरह में आप प्रोजेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हो। बहुत ही छोटा सा सर्किट है और बहुत ही कम खर्च में बन जाता है, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।